नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुशवाहा। देखिए, एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई है और इसके 10 तारीख से फॉर्म भरेंगे। 10 जुलाई इसके फॉर्म की भरने की लास्ट डेट है। लेकिन मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा कि सर 10 जुलाई को तक फॉर्म भर रहे हैं, मतलब अभी लगभग 1 महीना बचा आपके पास, क्योंकि लगभग 12 अगस्त के समथिंग आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम की डेट है वो है, तो आपके पास लगभग 1 महीना बचा है। तो 1 महीने में कैसे तैयारी करें, उसके लिए ये मेरी वीडियो है। क्योंकि काफ़ी जल्दी वैकेंसी आई है, क्योंकि 2022 में भी एग्ज़ाम हुआ था, 2023 में उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी एकदम से वैकेंसी आ गई है और टाइम भी काफ़ी कम है। तो ऐसे में स्टूडेंट को सही रणनीति, सही डायरेक्शन में तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप धुलमिलाट देते जाइए, कुछ नहीं होने वाला। आप पढ़िए, पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। सही डायरेक्शन में और सही तरीके से आप पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो है, ये आपको 1 महीने में एमपी कॉन्स्टेबल 2023 की तैयारी करने का प्रॉमिस करती है आपको। और यदि मेरे हिसाब से आप चलोगे, मैं नहीं कराऊंगा ये आप खुद करोगे, लेकिन यदि इसके हिसाब से आप चलोगे तो 1 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे और अपना 100% अपने एग्ज़ाम में दे पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, देखिएगा आपके पास। देखिए, इसमें जो सिलेबस है इसका काफ़ी पेचीदा सिलेबस पी वी वालों ने दिया है और अटपटा टाइप का सिलेबस है, ठीक है। लेकिन जब उस सिलेबस को तोड़ते हैं या और पिछले जो एग्ज़ाम हैं, पिछले कुछ सालों के एग्ज़ाम जो हैं एमपी कांस्टेबल के, उसको यदि देखा जाए तो उसके हिसाब से जो पेपर में आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो दो टॉपिक हैं, एक मैथ और ये रीजनिंग, ये लगभग 65 नंबर का आता है। कितना दोस्तों? ये लगभग आपका 65 नंबर का ये आता है, ठीक है, दोनों मिला के, मैथ और रीजनिंग मिला के, ठीक है। और यहाँ देखिए दोस्तों, जीके, अब जीके के दो पार्ट हैं, जीके के दो पार्ट हैं। पहले मतलब जीके देखिए, एक क्या है, एक तो एमपी जीके है और एक क्या है, एक इंडिया लेवल का, या ऐसा बोलते हैं इंडिया वर्ल्ड लेवल का जीके है। दो जीके इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और ये लगभग आपका आएगा 35 नंबर के समथिंग का, ठीक है, इतना आपका आएगा। और इसी में देखिएगा, इसी में आपका मतलब इंडिया लेवल का जीके का बता दूँ तो इसमें आपका साइंस इसी में इंक्लूड है, इसमें आपका कंप्यूटर भी इसी में इंक्लूड है, मतलब सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है जो आपके जीके वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं, जो आपके लूसेंट में दिया, आप ऐसा सकते हो, जो आपके लूसेंट में दिए वो सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है, वो 35 नंबर का आपका आने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे तैयारी करो 1 महीने में कि आपका सिलेक्शन की गारंटी 100% आपकी हो जाए, उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और विश्वास दिलाता हूँ, जब आप ये वीडियो देख लोगे 100% आपको काफ़ी मतलब बेनिफिट होने वाला है। साथियों, इसमें आपको करना क्या है, मतलब बहुत ही आपको उल्टा सीधा नहीं भागना है। पहली चीज़ आपको सिलेक्टेड पढ़ना है, पहली चीज़ आपको जो सिलेबस है आपको सिलेक्टेड पढ़ना है। सिलेक्टेड मतलब दोस्तों, 2022 को जो एग्ज़ाम है, 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जैसे क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, आपको उसी वाले क्वेश्चन पूछने लगाने हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, 2022 के एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रत्येक शिफ्ट में बता रहा हूँ मैं, ए खालिस्तान, बी सी सी ऐसा ऐसा डी, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के, ठीक है, इसको लेटर सीरीज बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपको 2 नंबर के कंफर्म आपके आने हैं। तो ये आपको ऐसे ऐसे आपको पढ़ के जाना है, 2022 को जो एग्ज़ाम था उसके हिसाब से, ठीक है। कुछ आकृतियाँ जैसे उसमें पूछा गया था कि आयतों की संख्या क्या होती है, वर्ग की संख्या क्या होती है, तो आपको 2022 का पहले एग्ज़ाम जो हुआ था उसका कोई पेपर देख लीजिए, कोई भी आपको बुक में मिल जाएगा या नेट पर भी मिल जाएगा। तो 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे वो पेपर आपको पहले देखना है, तैयारी करने से पहले। फिर आपने 100 क्वेश्चन देख लिए, अब उसमें मैथ और रीजनिंग के वो टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक आपको तैयार करने हैं जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब पिछली बार आए थे और जो आए थे हर शिफ्ट में आए थे, जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर हैं, वो क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे थे, ठीक है। मैथ में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, आपके सरलीकरण से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे आपको टॉपिक बाय टॉपिक देखना है किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, रीजनिंग में आपको 100 टॉपिक भी बन जाएंगे रीजनिंग में आपको, लेकिन आपको केवल पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो 15 से 20 टॉपिक से ही आते हैं, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप पर डे आपको एक टॉपिक मैथ का लगाना है। पर डे आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे एक टॉपिक मैथ का कंप्लीट करना ही है हर हाल में। तो आपका दोस्तों 25 दिन में आपका अंकगणित लगभग हो जाएगा, क्योंकि लगभग 20 से 25 टॉपिक ही आप मानिए जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका 1 महीने करोगे, सेम टू सेम रीजनिंग को फॉलो करना है आपको, पर डे एक आपको टॉपिक या फिर आपको
ईट ऑफ की रीजनिंग का आपको पर डे लगाना है, तो लगभग 25 दिन में ये आपका 25 टॉपिक हो जाएंगे। और इससे बाहर इतने टॉपिक यदि आपने कर लिए, इससे बाहर नहीं जाएंगे। आप बोलोगे सर ये कैसे, तो ये तो बेटा करना पड़ेगा। यदि आपको वर्दी ऐसी चाहिए हो तो ये तो करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 7-8 घंटे आप पर डे नहीं पढ़ोगे तो आपका एक महीने में कुछ नहीं होने वाला। और एक महीने में यदि 8 घंटे पढ़ लेते हो, उससे आपको वर्दी मिलती है, आपको आपकी समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, आपको अपनी फैमिली में फैमिली वालों को खुशी मिलती है। तो एक पर डे 8 घंटे पढ़ने में आपको एक महीने पढ़नी है भाई, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हो गया। और साथ में दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए MPG के अब आप एक महीने में कैसे पढ़ो, नहीं पढ़ सकते। आपको बस टॉपिक उठाना है, उसको एक बार देखना है आधा घंटे जल्दी जल्दी, और उस टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, जैसे आपको कोई पुलेकर की बुक मिल जाएगी, MP पुलेकर की एक बुक आती है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं, और उसमें ये बताया था कि पुराने जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं MP के, उन सारे एग्ज़ामों के उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं। तो वो केवल आपको पढ़ने हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप वो पढ़ लोगे, एक दो बार पढ़ लोगे, आपका उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वही आते रहते हैं पेपर में, बाहर कुछ नहीं आता। और उसमें अच्छा क्या है, क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दिए हैं, आंसर दिया, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन दिया है उस क्वेश्चन का। इससे क्या होता है कि आपको चीज़ें एक क्वेश्चन में चार चीज़ समझ में आती हैं। तो बोल ही सकते हो इंडिया दोस्तों आपको साइंस, मतलब साइंस के लिए, कंप्यूटर के लिए, और जियोग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री, इन सब के लिए आपको एक लूसेंट की बुक आती है जो आपके सबके पास होगी, उम्मीद करता हूँ मैं, तो वो आपको ले लेनी है, ठीक है। कुल मिला के ये दोनों मिला के, सब कुछ मिला के 35 नंबर का आएगा। यदि दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग थोड़ा बहुत ठीक है और आप एक महीने अच्छे से तैयारी कर लेते हो, तो आप 60+ मैथ में आराम से ला सकते हो, मैथ और रीजनिंग में, बता रहा हूँ मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सरल पूछा जाता है, बहुत सिंपल। मैं डिस्कस भी किया हूँ कुछ वीडियो में, मेरे पिछले वीडियो में किस लेवल का पूछा जाता है, काफ़ी इजी पूछा जाता है, सरल पूछा जाता है, तो आप आराम से ला सकते हो। यदि आप 60 नंबर की बना लेते हो, तो आप इसको यदि ना भी अगर पढ़ो ना, तो भी आपके सिलेक्शन हो जाएगा। 35 में से आपको 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, सोनचरी अभ्यारण कहाँ है, कहाँ राष्ट्र उद्यान कहाँ है, माता मैसल पार्क कहाँ है, ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कभी आपसे गलत होंगे ना, आप नहीं ना बताओगे। महाराष्ट्र उद्यान शिवपुरी जिले में है, क्योंकि मैं शिवपुरी रहने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। रूप से स्टेडियम कहाँ, जो बार बार आप पढ़ रहे हो, जनरली आपने तैयारी करी होगी, तो 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, तो आपके हो गए कितने, 75 नंबर। और भाई 25 क्वेश्चन में से आप 5 तुक्का नहीं लगेंगे, तुक्का तो भैया ऊपर वाला का, तुक्के भरोसे तो आते स्टूडेंट जाते हैं तैयारी करके, वो पेपर देने तुक्का लगेगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो तुक्के आपको ले जाएंगे। 75-80 नंबर पर किसी का बाप आपको रोक सकता है 80 नंबर पर सिलेक्शन होने से, नहीं रोक सकता। तो आपको ये रणनीति का रखनी होगी। यदि आप ऐसा करते हो, इसको छोड़ भी देते हो, तो भी आपके इतने नंबर आ जाएंगे। लेकिन यदि आपको थोड़ा सा पढ़ लेते हो, जी को थोड़ा सा पढ़ लेते हो, और इसमें 35 में से आप 20 क्वेश्चन सही कर देते हो, नहीं अल्लाह पार लग गई तुम्हारी, बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे, जी के ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं, साइंस के आएंगे आप कर ही लोगे। मेरा मतलब यह है कि आप पर डे एक एक टॉपिक, इसका एक टॉपिक, इसका एक टॉपिक, इसका तीन टॉपिक आपको पढ़ने हैं पर डे एक महीने तक लगातार, और उनको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं साथ में। इसको मैथ की बुक में आपको मैथ के ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, रीजनिंग की बुक में आपको रीजनिंग के ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, और साथ में जीके की बुक में आपको एमपी के लिए आपको पुलेकर लेनी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव के लिए। एमपी जीके के लिए कोई बुक ले सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, आप कोई बुक ले सकते हो, चाहे इतनी पतली हो चाहे ऐसी हो, एमपी कॉस्टल की सभी सेंट है, ठीक है। इंडिया के लिए लूसेंट ले सकते हो, इसके ऑब्जेक्टिव के लिए पुलेकर बुक आती है, और इसके ऑब्जेक्टिव के लिए एक लूसेंट के नाम से ही एक अलग से बुक आती है। तो आपको शायद उस भी पास हो, आपके पास होंगी मेरे हिसाब से, नहीं हो तो आप परचेस कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा एक महीने की रणनीति थी। और जो आपको टाइम बचेगा, मान लीजिए 12 अगस्त से एग्ज़ाम है और आपके पास 10 दिन बच गए, मान लो आपका पेपर 20 तारीख को, क्योंकि लगातार एक महीने एग्ज़ाम चलने वाले हैं, तो आपको 10 दिन मिल गए, तो उसमें आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और अच्छी चीज़ हो जाएंगी। देखिए आप कहोगे सर आप कैसा बता रहे हो, तेल क्या कौन करता है, करना तो पड़ेगा, किसी को नौकरी चाहिए तो करना तो पड़ेगा, दूसरा आपके घर करनी तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों एक महीने में आप आराम से निकाल सकते हो, बस मेहनत करते रहिए। वर्दी जो है ये आपका इंतजार भी कर रही है, ठीक है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए, और बने रहिए काश्मीर चैनल के साथ। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।